प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308111 है। मेरे हर वीडियो में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप लोग जिस जो स्नेह प्यार हमारे प्रोग्राम को लाइक एंड सब्सक्राइब करके के दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी। आज एक नया मैं आपको मंगल के बारे में नया चीज बतलाने जा रहा हूं, उसको सुनिए। अभी तक मंगल के अनेकों भाव आपने सुना, आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि मंगल किस किस राशि में क्या प्रभाव देता है, कैसा रहता है, किसमें अच्छा होता है, किस किस राशि में अच्छा होता है, इसको आप लोग ध्यान सुनिए। अगर मंगल मेष राशि में है तो ये आपको बुद्धिमान बनाता है, कार्य करने की क्षमता देता है, चरित्रवान बनाता है, हिम्मती बनाता है, त्यागी बनाता है, दूरदर्शी बनाता है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता है। जिस व्यक्ति का सिंह राशि का मंगल हो, ऐसे लोग पूर्ण बुद्धिमान होते हैं, ऊंचे पद प्राप्ति करते हैं, असफल उद्योगपति होते हैं, लेखक होते हैं, राजनेता होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं और समाज में अच्छा पूजे जाते हैं। जिस सज्जन का वृश्चिक राशि का मंगल हो, ये उदार होते हैं, भावुक होते हैं, दयालु होते हैं, धार्मिक विचार के होते हैं, साहसी होते हैं, हिम्मती होते हैं और दया दान धर्म के तरफ ऐसे लोगों का झुकाव होता है। ऐसे लोग भावुकता की वजह से कभी कभी कठिनाइयों में का भी सामना करना पड़ सकता है। जिस व्यक्ति के कुंडली जिसका धनु राशि का मंगल हो, ऐसे लोग छोटी नौकरी से उच्च पद पाते हैं, ऐसे लोग समाज में अच्छा पूजे जाते हैं, ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा सम्मान मिलता है, ऐसे लोग संसद विधायक प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। ऐसे सज्जन व्यक्ति अपने माता पिता अपना नाम दूर दूर तक फैलाते हैं। जिस व्यक्ति का मकर राशि का मंगल हो, मकर राशि का मंगल उच्च का माना जाता है, ऐसे कुंडली वाले एक गरीब घर में पैदा हो करके अपने माता पिता के नाम को रोशन करते हैं और माता पिता को पूर्ण सुख देते हैं, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, ऐसे लोग कम परिश्रम में अच्छा लाभ पैदा करते हैं, ऐसे कुंडली वाले समाज में पूजे जाते हैं, ऐसे कुंडली वाले को सरकार से पद मिलता है और विदेश यात्रा भी करते हैं, विदेश में भी जाकर अपना नाम फैलाते हैं। जिसका के कुंडली में मीन राशि का मंगल बैठा हो, ऐसे कुंडली वालों के पारिवारिक सुख इनको अच्छा मिलता है, इनके संतान योग हुआ करते हैं, ये जीवन में सफल हुआ करते हैं, ऐसे कुंडली वाले कम उम्र में अपने पूर्ण उन्नति पाते हुए हर कार्य को से निपटित हो जाते हैं। ऐसे कुंडली वालों के चौथे पन अच्छे जाते हैं और इतना अधिक यश कृति छोड़ के
ये चौथापन आता है कि इनके न रहने के बाद भी सालों याद किया जाए। दोस्तों, ये मैंने छोटा सा वीडियो किस राशि का मंगल बहुत अच्छा होता है ये मैंने आपको बताया। इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे मोबाइल पर संपर्क करिए, उससे उसका मैं प्रयास करूंगा जवाब देने का। आप लोग का स्नेह प्यार इसी तरह से मिलता रहे। इतना कहते हुए वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।